देखिए, जहाँ तक मलबार एक्सरसाइज है, ये तो शुरुआत से ही जब 1992 में, जब 1992 में जब हमने ये शुरू की थी भारत और अमेरिका की नेवी के साथ, तभी से ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्योंकि ये जब इस प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं तो दो देश जो होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी ड्रिल्स, अपने प्रोसीजर्स, वो एक तरफ से वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है, और एक दूसरे जिस प्रकार से वो अपने ऑपरेशन करते हैं उससे भी जानकारी हो जाती है। कि इसका मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़े तो दोनों नेवीज जो हैं वो कोऑपरेट कर सकेंगी। भारत की नेवी जो है, इंडियन नेवी जो है, वो बाकी नेवीज़ के साथ भी 1-to-1 बायलैटरल एक्सरसाइजेस करती रही। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि जापान, जिसके साथ हम पहले बायलैटरल एक्सरसाइज करते थे, वो भी मलाबार का हिस्सा बन गई, तो तीन देश हो गए। और 2020 में चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी बीच में आ गया, और अब क्या हुआ कि चार देश ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, ये चार देश जो अभी करते हैं मलाबार एक्सरसाइज, यही क्वाड के मेंबर्स हैं। जब हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मलबार एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें चारों देशों की नेवीज, जिसका नेवल एयर कंपोनेंट भी जो हिस्सा है वो भी साथ जो हिस्सा ले रहा है, तो एक तरफ से ये मैसेज दे रहा है कि बेशक ये एक सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं है इसमें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये सिक्योरिटी कंपोनेंट भी बीच में आ सकता है। तो इसको मैं समझता हूँ, इसको आप मैसेजिंग के तौर पे ले लीजिए कि जो भी होस्टाइल पावर्स है उस इलाके में, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वाड है मलबार एक्सरसाइज में, अभी सी ऑफ जापान में एक्सरसाइज की है, और हर साल ये एक्सरसाइज इसी प्रकार से करता रह रहा है। इनके ड्रिल्स वगैरह भी सेट हैं, और ये एक बेशक इस समय पर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन बाद में ये बन सकता।